इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। मडियाहू के खेरोदीनगंज निवासी मुकेश त्रिपाठी हाल ही में खुली बैंक की चंदवक शाखा में बतौर पर्सनल बैंकर कार्यरत थे। उनका काम क्षेत्र के बाजारों में और गांव में लोगों से संपर्क कर बैंक में खाता खुलवाना व बैंक की योजनाओं की जानकारी देना था। शाम करीब 6 बजे मुकेश बैंक बंद होने के बाद घर जाने के लिए निकले। करीब 7 बजे गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो मुकेश त्रिपाठी को मृत पड़ा पाया गया। गोली उनके सीने में बाईं तरफ लगी थी। पास में ही नाल में खून लगी एक पिस्टल पड़ी थी। उनका पिट्ठू बैग भी वहीं पड़ा था। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। इलाके में सनसनी फैल गई। जौनपुर मडियाहू ब्यूरो चीफ शादाब अंसारी की रिपोर्ट, इंडियन टीवी न्यूज पर। आज दिनांक 1 जून 2023 को थाना चंदवक अंतर्गत चंदवक गोमती नदी पुराने पुल के पास नदी के किनारे शाम को लगभग 7:15 के आसपास एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर पुलिस के द्वारा तत्काल पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया गया और जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल के क्रम में ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक SDFC चंदवक बैंक में कार्यरत एक कर्मी है जिसका नाम मुकेश त्रिपाठी सन ऑफ राजेश त्रिपाठी जो मड़ियाओं का रहने वाला है। मृतक के पास से मोबाइल, पर्स, बैग व मोटरसाइकिल की चाबी बरामद हुई। मृतक की मोटरसाइकिल वहीं पुल के पास खड़ी मिली। घटनास्थल के पास से पुलिस को पिस्टल व कुछ कारतूस भी बरामद हुए। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों को सूचित करके व उनकी उपस्थिति में बॉडी को कब्जे में लेकर PM हेतु मोर्चरी पर रवाना कर दिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।